एक बार अकबर और बिलबल अपने महल के बाहर एक नदी के किनारे टहलने जाते हैं और वह मौसम काफी ठंड का होता है। तो अकबर चलते चलते अपने एक पैर को नदी के पानी के अंदर डाल देता है और जैसे वो पानी के अंदर डालते हैं उनका पैर ठंड के कारण झरना जाता है। तो वो जल्दी से पैर को निकालते हैं और बीरबल को बोलते हैं, बाप रे बीरबल कितना ठंड है, ये पानी छूने से मेरे पैर में जलन चालू हो गया। कोई इंसान अगर इस पानी में रह जाए ना पूरी रात तो वो तो मर ही जाएगा। तो उसमें बीरबल बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो आराम से पूरी रात इस पानी के अंदर रह सकता है। तो इसमें अकबर को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि मेरे विपक्ष में बात कर रहा है। तो वह चिढ़ के बोलता है, अच्छा बीरबल अगर ऐसा है तो मुझे एक ऐसा इंसान ला के दो जो इस नदी के अंदर पूरी रात रह सके, अगर वो दूसरे दिन जिंदा रहा ना तो मैं उसे सोने के बहुत सारे सिक्के दूंगा। तो बीरबल बोलता है, कोई बात नहीं महाराज, मैं एक ऐसा एक इंसान ढूंढ के लाता हूँ। तो बीरबल वहां से जाते हैं और एक गरीब आदमी को लेके आते हैं और उस गरीब आदमी को बोलते हैं कि तुमको पूरी रात इस पानी के अंदर रहना है, अगर तुम दूसरे दिन बच गए ना तो महाराज तुमको सोने के सिक्के देंगे। तो अकबर बोलता है, हाँ मैं सोने के सिक्के दूंगा। तो वह गरीब आदमी पानी के अंदर चला जाता है और अकबर अपने सैनिकों से बोलता है कि यह खड़े रह के देखना, ये इंसान पानी से नहीं निकालना चाहिए, ये जिंदा तो वैसे बचेगा नहीं, अगर बच गया ना तो दूसरे दिन मेरे महल इसको लेके आना। तो वह रात तो बीत जाती है, वह गरीब आदमी पूरी रात पानी के अंदर खड़े रहता है। दूसरे दिन सुबह उस गरीब आदमी को वह सेनापति लेके महाराज के सामने जाता है और जाके बोलता है, महाराज ये इंसान पूरी रात पानी के अंदर था फिर भी बच गया है, तो अब बताइए क्या करना है। तो अकबर देखता है और बोलता है, अरे बाप रे ये पूरी रात पानी के अंदर रह गया। तो बोलता है, रुको मैं कुछ पूछ लेता हूँ। तो अकबर उससे पूछता है कि एक बात बताओ, तुम पूरी रात कैसे बच के रह सके पानी के अंदर। तो वह गरीब आदमी बोलता है, महाराज मैं पानी के अंदर था, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन दूर दिए में एक आग लगा हुआ था, तो उस आग को देखते हुए मैं सोच रहा था कि ये आग जो है मेरे सामने लगी है और मैं अपने शरीर को उससे गर्म कर रहा हूँ, यही सोचते हुए मैंने पूरी रात बिता दी जिससे मुझे इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगा। तो उस पर अकबर बोलता है, अच्छा मतलब तुम उस दिए की आग से गर्मी ले रहे थे, तो ये तो यार गलत बात है, तो तुमको तो मैं तो नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, दोबारा अपना शक्ल मत दिखाना, और तुमको सोने के सिक्के क्या मैं कुछ नहीं देने वाला, तो यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुमने गद्दारी की है। ये बोल के उसको बाहर निकाल देता है। अब वह गरीब आदमी पूरी रात पानी के अंदर था, इतना मेहनत किया लेकिन उसको सोने के सिक्के नहीं मिले। तो वह जाता है दोबारा बीरबल के पास और जाके पूरी कहानी बताता है कि महाराज के साथ ऐसी ऐसी बात हुई, महाराज ने मुझे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। तो बीरबल बोलता है, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। तो बीरबल उस दिन दरबार नहीं जाता। तो महाराज अकबर बोलते हैं कि बीरबल आज क्यों नहीं आए हैं। तो उसके सेनापति बोलते हैं, पता नहीं महाराज मैं देख के आता हूँ। तो वह जाते हैं बीरबल के घर और बीरबल उन सेनापति को बोलते हैं, मेरी खिचड़ी बन जाए उसके बाद ही मैं महल में आऊंगा। तो सेनापति बोलते हैं, ठीक है मैं जाके महाराज को ये बता देता हूँ। तो महाराज के पास जाते हैं और बताते हैं कि बीरबल ने बोला है उसकी खिचड़ी बन जाए उसके बाद ही वो आएगा। तो महाराज बहुत समय तक प्रतीक्षा करते हैं, घंटे बीत जाते हैं और पूरा दिन खत्म होने वाला होता है। तो महाराज गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अभी तक बीरबल की खिचड़ी नहीं बनी, एक काम करो चलो बीरबल के घर और मैं देख के आता हूँ। तो वह बीरबल के घर जाते हैं और जाके बीरबल को बोलते हैं, तुम खिचड़ी बना के आने वाले थे लेकिन तुमने अभी तक खिचड़ी बना तो लिया लेकिन मेरे महल नहीं आए। तो बीरबल बोलता है, महाराज कहाँ खिचड़ी बनाओ, अभी तक वो पक ही रहा है। तो महाराज गुस्से से बोलते हैं, पक रहे कहाँ पे पक रहे दिखाओ। तो फिर जाते हैं, जाके देखते हैं कि नीचे आग लगी हुई है और उससे 10 फीट ऊपर खिचड़ी लटकी हुई है। तो ये देख के महाराज गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुमने आग तो नीचे लगाया और खिचड़ी इतने दूर पे चढ़ाया है तो ये कभी नहीं पकेगा, तुम्हारे अंदर के बीरबल इतनी भी समझ नहीं है क्या, तुम इतने ना समझ हो। तो बीरबल बोलते हैं, महाराज यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वह इंसान पानी के अंदर था, उससे कई मीटर दूर वो आग लगी हुई थी दीपक में जिसकी गर्मी उस तक आना असंभव है, फिर भी आपने उसको ये बोल के सोने के सिक्के नहीं दिए कि तुमने गद्दारी की है, तो महाराज ये तो गलत बात है। तो अकबर को समझ आ जाता है, अकबर अपनी गलती समझता है और अपने सेनापति से बोलता है, एक काम करो उस गरीब को दोबारा ले आओ और जितने सोने के सिक्के उनको देने थे उससे डबल सोने के सिक्के उसको दे दो। तो दोस्तों इस तरह की कहानी अगर आपको सुनना है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हमको सब्सक्राइबर की बहुत ज्यादा नीड है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता हम आगे जाके और वीडियो ऐसे ला सकेंगे क्योंकि उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और उसी से हम आगे वीडियो बनाने के सोचते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, जय हिंद वंदे मातरम।